केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पेशी के दौरान मीडिया से बात नहीं करने का मंगलवार को निर्देश देते हुए कहा कि ये सुरक्षा समस्या पैदा करता है। सिंह के अदालत कक्ष में प्रवेश करने से पहले संवाददाताओं से बात करने के बाद विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल ने ये टिप्पणी की। न्यायाधीश ने उन्हें अदालत में पेश किए जाने के दौरान उनसे सवाल नहीं पूछने का मीडिया कर्मियों को निर्देश दिया। न्यायाधीश ने कहा ये भी सुरक्षा समस्या पैदा करता है। पत्रकारों में बातचीत में सिंह ने दावा किया ईमानदार लोग हमारे साथ हैं। ईडी द्वारा दायर उनकी आगे की रिमांड अर्जी पर बहस के दौरान संजय सिंह ने कोर्ट से खुद के एनकाउंटर की आशंका जताई है। जांच एजेंसी का आरोप है कि आरोपी कारोबारी दिनेश अरोड़ा ने राज्यसभा के सदस्य सिंह के आवास पर 2 बार से 2 करोड़ रुपए नगद दिए थे। राव रेवेन्यू कोर्ट ने आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह को दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद 5 अक्टूबर को 5 दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया था। विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल ने सिंह को 10 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया ताकि संघीय जांच एजेंसी उनसे पूछताछ कर सके। प्रवर्तन निदेशालय ने पिछली सुनवाई में अदालत के समक्ष दावा किया था कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मदद से दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का वादा किया था। ईडी ने कहा था जांच से पता चला कि सिंह ने अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा के कहने पर IMFL ब्रांड के लिए ब्रांड पंजीकरण मानदंड बढ़ाने के वास्ते 2020-21 की तत्कालीन प्रस्तावित आबकारी नीति में मनीष सिसोदिया के माध्यम से बदलाव कराने का आश्वासन दिया था।